नमस्कार में आपका स्वागत है। सुबह की न्यूज कोरोना अपडेट के साथ। हरियाणा में कंफर्म मामले 5209 हो चुके हैं, रिकवरी 2134 और डेथ 45। और इंडिया में कंफर्म केस 2,77,000 के करीब हैं। कल ही 9,985 मामले आए, रिकवर्ड 1,35,000। डेथ का आंकड़ा कल 8,012। गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर पिचई ने 2020 में स्नातक करने वाले युवाओं को अपने विशेष संदेश में कहा है कि उन्हें अपने विचार खुले रखने चाहिए, आशावान बने रहना चाहिए, साथ ही इस बात के लिए उत्सुक रहना चाहिए कि हर चीज को बदलने का एक अवसर होता है। हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने एक बार फिर से दिल्ली बॉर्डर सील करने के संकेत दिए। विज ने कहा, हमने नजर रखी है, यदि हमें जरूरत महसूस हुई तो दिल्ली बॉर्डर जरूर सील किया जा सकता है। वहीं हरियाणा के बढ़ते कोरोना के मामले पर अनिल विज ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, हमारे पास पूरी व्यवस्था है, जितने मामले बढ़ रहे हैं हम सभी को इलाज करेंगे। कोरोना वायरस के चलते बंद स्कूल कॉलेज को खोलने का को लेकर सीएम मनोहर लाल ने स्थिति स्पष्ट की है। रतिया में सीएम ने कहा, सरकार ने तय किया है कि 15 जुलाई तक कॉलेज नहीं खोले जाएंगे। कॉलेज के फाइनल ईयर की परीक्षाओं को लेकर जुलाई का समय तय किया गया है, इसमें भी फाइनल सेमेस्टर की परीक्षाएं होंगी। फाइनल सेमेस्टर को छोड़कर अन्य सेमेस्टर हैं उन विद्यार्थियों की एवरेज बेस पर पास कर दिया जाएगा। 100 किसानों पर बनेगा एक मित्र क्लब, 90% सब्सिडी पर 1,000 बोरवेल का लक्ष्य। रोहतक के कमला नगर में बुजुर्ग की वायरस ने ली जान, 6 माह के बच्चे समेत 27 केस नए आए। मुंबई से आए ढाट रथ के पति पत्नी के साथ 2 साल की बेटी सिविल अस्पताल के धोबी सहित 12 मिले पॉजिटिव, चीन की है ये खबर। पीटीआई अध्यापकों की सेवा समाप्ति करने के विरोध में अध्यापकों ने दिया धरना, मिनी सेक्रेटरेट पर यह धरना चल रहा है। उम्र अधिक होने से सटिया गए हैं राम कुमार गौतम, अजय चौटाला। कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए स्थापित हुए अस्थायी कोविड अस्पताल, केयर सेंटर, स्वास्थ्य केंद्र जीन चुलाना नरवाना और चाणक सामुदायिक में एक वार्ड को कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए कोविड सेंटर बना दिया गया है। धन्यवाद।